जो ठंड हो रही है ना, पता धूप हो रही है यहाँ पे, बट आज से शुरू कर रहे हैं हमारे राजस्थान का सफर, जहाँ पे हर एक शहर की आपको काफी फेमस चीजें देखने को और खाने को मिलेंगी, और ये भी पता चलेगा कि वहां तक काफी आसानी से आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज आए थे हम मांग्यावास, जो कि अजमेर और ब्यावर के बीच में पड़ता है और जहाँ की कचौरी और कलाकंद बहुत ही फेमस है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम वहाँ कैसे पहुंचे, किस तरीके से आप जा सकते हो और कहाँ पर जाना है। तो हम निकले थे ब्यावर, बीच में पड़ता है मांग्यावास। तो अजमेर से जब आप हाईवे से आएंगे तो हाफ रास्ते पे आपको मांग्यावास मिल जाएगा, उसी का बोर्ड। वहां से आप सीधे सैनी मिष्ठान भंडार पर आ सकते हैं। इनके यहाँ पर मिलेगी आपको गरम गरम कचौड़ी और बिल्कुल फ्रेश बना हुआ मावा। चलिए भैया से ही पूछते हैं कि आखिर इनके यहाँ पर इतना फेमस क्यों है, क्या प्राइस है और लोग इसे क्यों इतना पसंद करते हैं। भैया कितने रुपए की कचौड़ी आपकी है? 15 रुपए की है। और कलाकंद 40 रुपए का 100 ग्राम। किस चीज की कचौड़ी रहती है, क्यों फेमस है? हमारी दाल की कचौड़ी है, बहुत फेमस कचौड़ी है। देश आजाद हुआ तो उसकी दुकान है। कितने साल की? हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उससे पहले की दुकान है। अच्छा, कचौड़ी है सिर्फ मूंगफली के तेल से बनाते हैं। अच्छा, और कड़ी के साथ में देते हैं इसको, राइट? कड़ी साथ में ये रहती है गेम की कड़ी। और सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है आपको ये? 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। तो गाइस ये जो सैनी मिष्ठान भंडार है ना, इसके सामने बिल्कुल अपना पुलिस थाना, और आप देख सकते हो सब लोग आके यहीं पे कचौरी खाना पसंद करते हैं। इनसे पूछते हैं इनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। नमस्ते, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये मैं 15 साल से कचौरी खा रहे हैं यहाँ। 15 साल से खा रहे हैं आप? बिल्कुल। और प्राइसिंग क्या थी पहले, मतलब इसका आज कितनी है? पहले तो मैडम ये 7-8 रुपए थी, आज तो 15-20 रुपए है। टेस्ट सेम है, बहुत पुरानी दुकान नहीं। तो गाइस पैसे देखो बढ़ेंगे ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे अपनी महंगाई बढ़ेगी, बट टेस्ट सेम रहना चाहिए। तो वो सर कह रहे कि टेस्ट बिल्कुल सेम है, तो अपन भी खाते हो देखते हैं कि इनका टेस्ट वाकई सेम है या नहीं, क्योंकि मैंने खाई थी आज से 7 साल पहले और 7 साल बाद आज मैं खाने वाली हूँ। तो गाइस ये आ गई हमारी कचौरी, 15 रुपए की है। देखो इसमें है कचौरी, ये देखिए धुआं निकल रहा है गरम गरम, ऊपर से इसमें हरी मिर्ची, लाल चटनी और साथ में है इसके अंदर ग्रीन चटनी। लेट्स टेस्ट दी टेस्ट। जो ठंड हो रही है ना, पता धूप हो रही है यहाँ पे, बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मुझे लगता है उसमें जो गरम गरम कचौड़ी खाने का मजा अलग है, और ये सिर्फ राजस्थान में मिलेगा आपको। और अभी है हम अजमेर से ब्यावर के जो बीच में पड़ता है मांग्यावास, वहां पर। सो चीयर्स। खट्टा खट्टा नींबू का टेस्ट आ रहा है, सेम टेस्ट है जो मैंने आज से 7 साल पहले खाया था ना, मस्त। तो अगर आप आ रहे हो अजमेर से ब्यावर और भूख लग गई ना, तो रास्ते में बिल्कुल रुक सकते हो, ज्यादा अंदर भी नहीं है, बिल्कुल टर्न लेती है सैनी मिष्ठान भंडार मिल जाएगा आपको। इनकी कचौरी बिल्कुल मिस मत करना। फन फूड के नाम से अपना चैनल है, आपने फॉलो किया हुआ है पहले से? पहले से है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो गाइस जिनके साथ हमने वीडियो बनाया वो ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे, तो मजा आ गया यार, मतलब लोग पहले से जानते हैं, पहले से हमें देख रहे हैं। तो गाइस कचौरी खाने के बाद अब लगा रहे हैं इनका हम कलाकंद टेस्ट करेंगे, जो इनका वन ऑफ द फेमस है यहाँ पे। तो भैया से बोलते हैं हमारे कलाकंद की प्लेट लगा दीजिए भैया। इनका कलाकंद यहाँ पे बना हुआ रहता है और ये बार बार मेकिंग होती है इसकी, ठीक है? और फिर यहाँ पर ऐसे नापते हैं जो भी है, 40 ग्राम, 40 रुपए का 100 ग्राम है इनका, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो गाइस ये आ गया हमारा, 50 ग्राम लिया है हमने 20 रुपए का, बिल्कुल वाइट और एकदम गरम, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बना है ये। खाइए पर इसका टेस्ट करता है। सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है इसे, क्योंकि ये ना ये फ्रेश बनता है, ऐसा नहीं है कि सुबह एक बार बना के रख दिया, अभी भी जब मैं आई थी ना तो मेरे सामने उन्होंने बिल्कुल फ्रेश बनाया था। बिल्कुल मलाईदार, एकदम परफेक्ट मीठा जैसा होना चाहिए, और बिल्कुल कुछ भी मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं लेना है ना, तो 20 रुपए का देखो ये दोनों मिलेगा आपको। और ये मेरे हिसाब से अगर जैसे मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, नॉर्मल है, तो आराम से दो लोग खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्राई किया आज मांग्यावास में कचौरी और कलाकंद, जो कि यहाँ का फेमस है। कभी भी अगर आपका आना हो अजमेर से ब्यावर, तो इस शॉप पे सैनी मिष्ठान भंडार में डेफिनेटली अपना नाश्ता
कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आप भी अजमेर, ब्यावर या मांगलियावास या आसपास के किसी भी एरिया से हैं तो यहाँ आकर कचौरी जरूर खाना, और जिन्होंने खा रखी है वो जरूर बताना कमेंट्स में आपको कैसी लगती है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और भी ऐसी और वीडियो आती रहे। हम मांगलियावास से जा रहे हैं, हम ब्यावर की साइड आपको दिखाएंगे वहाँ पर हमने क्या क्या खाया पूरा टूर। अजमेर से पहला स्टॉप था हमारा मांगलियावास, और अब जाएंगे ब्यावर।